राधे राधे फ्रेंड, राधा रानी क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम ये ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये फ्रेंड हमारे 6 से 7 नंबर 8 नंबर के ठाकुर जी के लिए है। ये देखिए, हमने ये सिंपल, ये आप डोरी कितना भी टाइट खींच इसको खींच के बांध बंद कर सकते हैं। ये ढीला नहीं है, ये इस तरह से जैसे पेटीकोट का होता है उस तरफ हो जाता है। और फिर हमने इस तरह की चोली बनाई। आप इसमें चिटकने वाला चिटपुटिया भी लगा सकते हैं, हुक भी लगा सकते हैं। हमने ऐसे रखा है, हम बाद में लगाएंगे। और ये हमने पगड़ी भी बनाई है। जिसके पास स्टोन वगैरह अवेलेबल नहीं है वो ऐसे सिंपल तरीके से लेस अटैच करके बना सकते हैं पगड़ी। ये देखिए, ये हमारा बनने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। चलो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल रेड कलर की फैब्रिक ली है, एकदम प्लेन, ये देखिए। और फिर हम इसके नीचे कैनवास हमारे पास नहीं था तो हमने जो कपड़े वगैरह वाले पॉलिथीन आते हैं झोले, उसको हमने कट करके ले लिया था। उससे बहुत अच्छा परफेक्ट बनता है। फिर हमने ये देखिए मीशो से परचेज़ किया था। इस तरह के बहुत सारे हमने लेस मीशो से परचेज़ किया, तो हम गोल्डन कलर का लेस इसमें लगाएंगे। ये देखिए, हमने इसे सर्कल में कट कर लिया है दोनों को। अब हमने फैब्रिक को थोड़ा 1-1 इंच बढ़ा के ही कट किया है ताकि हम उसके ऊपर से फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। फ्रेंड ऐसे ही हम आपको सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमारा सिलाई लग गया है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने सिलाई लगाया है वहीं पे हम इस तरह से ये गोल्डन कलर का लेस के हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। और फिर हम उसके ऊपर 1 इंच छोड़ के 1.5 इंच ये गोल्डन कलर का पतला वाला लेस लगाएंगे। ये भी हमने मीशो से ही परचेस किया था फ्रेंड। ये देखिए, हमने बड़ा वाला लगा दिया, फिर पतले वाले को इस तरह से लगाएंगे। अभी एक राउंड लगाएंगे, फिर कमर कट करने के बाद सेकेंड राउंड को भी अटैच करेंगे। यहाँ पे आप चाहे बहुत सारे लाइनें वो कर सकते हैं, सिलाई लगा सकते हैं, बट हमने 2-3 ही अटैच किए हैं। ये देखिए, इस तरह से हम फोल्ड करके कमर का मेज़रमेंट लेके कमर को कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हम यहाँ पे कमर का मेज़रमेंट ले लिया है। हम चौक से इसे निशान लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर हम कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने कट कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा हमने वी मेक रखा है क्योंकि यहीं से हमें ये इस तरह से बगल का कट कर लेना है। हमने इसे भी कट कर लिया। अब यहाँ पे साइड हम दोनों तरफ ये चौड़ी वाली लेस अटैच करेंगे, सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से हम अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और ये पतली वाली लेस की एक लेयर हम और ले जाएंगे इसमें। यहाँ पे देखिए, हमने सिलाई लगा ली। अब हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। और फिर कमर पट्टी अटैच करने के बाद उसके ऊपर हम डोरी को भी अटैच कर लेंगे। डोरी हम ऐसा अटैच करेंगे जिसे हम पेटीकोट में डालते हैं तो हमें बांधने में खिंचाव होता है, टाइट भी कर सकते हैं, ढीला भी। उसी तरह से हम डोरी को अटैच करेंगे इसमें। पहले कमर पट्टी एक तरफ से अटैच करेंगे, फिर फोल्ड करते समय हम डोरी को भी अटैच करेंगे। और हमने यहाँ पर लटकन भी बना ली थी लेस को अटैच करते हुए। ये देखिए, हमारी डोरी खिंचाव भी हो रही है अच्छे से। ये आप जिस तरह से भी खींचेंगे अच्छे से खिंचाव, ये हमारी घेरा बन के रेडी हो गई है ठाकुर जी की। अब हम चोली बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे अच्छे से टाइटली बांध भी सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। ये देखिए, ये हमारी चोली इस तरह से बनी है। और ये बने कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड हमारी ये चोली की ये जो हम बना रहे थे डिलीट हो गई थी, तो यहाँ से आपको पहले वाली वीडियो में हमने बताया, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे हमने पट्टी बना के दोनों तरफ से लेस लगा लिया था। और फिर हम इसे ये क्या करेंगे, हमने कट कर लिया था मेज़रमेंट लेके। फिर दोनों तरफ से हम बाजू भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, नीचे से भी हमने सिलाई लगाई, फिर दोनों तरफ की बाजू भी हम मेजरमेंट सिलाई लगा ली थी। अब हम नीचे क्या करेंगे, पट्टी को नीचे यहाँ पर हम पट्टी अटैच करेंगे क्योंकि ऐसे खुला अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम पट्टी को यहाँ पे लगा के इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमारी लग की चोली भी रेडी हो गई है। नीचे से हमने पट्टी अटैच कर दिया। आप इसमें लेस भी नीचे अटैच कर सकते हैं इसके ऊपर।
स्टोन्स भी लगा सकते हैं, बट मैंने सिंपल ही रखा है क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे गांव में ये सब अवेलेबल नहीं होता, तो हमें परेशानी होती है कि हम कैसे किस तरह से बनाएं। तो आप इस तरह से सिंपल भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पगड़ी के लिए बनाया, इसी तरह हमने चोली के लिए भी बनाया था फ्रेंड, फिर उसे कट कर दिया था। दो हमने रेडी की थी, उसकी वीडियो हमारी डिलीट हो गई है। अब ये देखिए, पगड़ी के लिए थोड़ा बड़ा ही हम बनाते हैं ताकि हमारे पीछे से अच्छे से सिलाई हो सके। ये देखिए, पीछे ले जाके हम इस तरह से रख के एक बार कच्चे टाके से आप तक कर दीजिएगा कच्चे, फिर उसके बाद मशीन से सिलाई लगा देंगे तो अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, फिर हमने ऊपर ये अच्छे से मोरपंख की तरह भी बना के ये अच्छे से लगा रेडी करके रखा था, इसे भी हम यहाँ पे टक करके फिर हम आपको दिखाते। ये देखिए हमारा ये पगड़ी भी बन के रेडी हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, सिंपल तरीके से वो कितना सुंदर बना है। और ये आप मार्केट में ले जाएंगे, इससे अच्छा नहीं मिलेगा आपको सिंपल वाला। क्या होता है, ये धुलने में भी ख़राब नहीं होते हैं और आप वॉश करके अच्छे से रख सकते, इसके कुछ आपके कुछ भी अच्छे से ख़राब नहीं होंगे इसके वॉश करने के बाद भी। क्या होते हैं ठाकुर जी के, अक्सर हम रेडीमेड लेकर आते हैं, हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमने, आप इस तरह से घर पे बनाएंगे तो ये धुलने के बाद भी नहीं ख़राब होंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर, इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।